हेलो कला प्रेमियों, कैसे आप लोग। वेलकम टू रेक्स प्लस। सबसे पहले आप सभी को रेक्स प्लस की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। फ्लिप बुक को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने इसे कैसे तैयार किया है। सबसे पहले मैंने इस साइज का 50 शीट्स तैयार किया है। यह शीट्स प्रिंटिंग वाला पेपर होता है उसका यूज करके कट करके बनाए हुए हैं। आइए देखते हैं मैंने इसे किस तरह से तैयार किया है। सबसे पहले हमने तय किया हुआ साइज में इसका लंबाई और चौड़ाई काट के निकाल लिया, जिससे कि मेरा जो शीट्स का साइज है वो बन के तैयार हो गया। इस तरह से मैंने 50 सीट्स तैयार किया। उसके बाद सभी सीट्स में नंबरिंग कर लिए, जिससे कि मेरा फ्रेम आगे पीछे नहीं होगा। फिर वन बाय वन करके 50 आउटलाइन ड्रॉ किए। उसके बाद सभी आउटलाइन को शेड किए। एक आउटलाइन को शेड करने में अप्रोक्स 9 मिनट के आसपास लग रहा था। इस तरह से मैंने 50 आउटलाइन को शेड किया। वैसे मैं फ्लिपबुक का ड्राइंग लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। आखिर में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फाइनली मैंने 50 आउटलाइन को ड्रॉ किया और उसे सेड भी किया। मैं सोच रहा था कब ये बन करके ख़त्म होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। मतलब 2 दिन मैंने लगातार सेड किया और 2 दिन लगातार मैंने आउटलाइन भी ड्रॉ किया था। चलिए अब इसको हम 12 फ्रेम के स्पीड पर देखते हैं, 12 फ्रेम पर सेकंड के स्पीड पर देखते हैं किस तरह से यह दिखता है, क्या आउटपुट आता है। लास्ट वाला जो फ्रेम था मैंने उसे 12 टाइम रिपीट किया, जिससे कि वो इस तरह से दिख रहा है। चलिए एक बार और देखते हैं। अगर आपको यह फ्लिप बुक अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।